आता वर्क कितना करना पड़ेगा घुमाने में टाइम में, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ध्यान हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने करा था, और उसमें हमने ये बताया था कि 90 डिग्री से घुमाने में जितना वर्क करना पड़ता है डेट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्यों 90 डिग्री से? क्योंकि टॉर्क की वैल्यू देखो हमने पढ़ी है एमवी साइन थीटा, और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब टॉर्क मैक्सिमम होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। क्योंकि 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम लगता है, इसीलिए हम 90 डिग्री से घुमाते हैं। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक नहीं हम मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल। वर्क डन टू रोटेट मैग्नेटिक डाइपोल कहां से? फ्रॉम 90 डिग्री टू एनी एंगल, इन मैग्नेटिक फील्ड। नाइन्टी डिग्री से जब हम घुमाते हैं, 90 से क्यों घुमाया? क्योंकि 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम लगता है, घुमाना आसान है, कम से कम वर्क करना पड़ता है। वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू एनी एंगल थीटा इन मैग्नेटिक फील्ड इज टर्म या स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। और ये होता क्या है? माइनस, आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी थी, पी कॉस थीटा, पी यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, माइनस पी कॉस थीटा, पी जो था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है, क्योंकि अब फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इसलिए हमने डेरिवेशन से पहले फॉर्मूला जरूर लिखवा दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको ध्यान हो माइनस पी कॉस थीटा, यानी कि ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये होता है ठीक है ना। तो अब यहां पर पी की जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, और कॉस थीटा तो है। अब इसको आपको ध्यान हो क्या करा था हमने, कि पहले हमने क्या कहा था? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा था, ये प्लस क्यू चार्ज था, तो तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन जो रहा है टू ए, तो डाइपोल कितना, टॉर्क कितना आया था? पी ई साइन थीटा।
इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइपोल रखते थे, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा था तो कितना टॉर्क लगा था? पी साइन थीटा। ठीक है भाई। अब हमने पहले स्मॉल एंगल घुमाने में वर्क निकाला था, डी डब्ल्यू टॉर्क इंटू डी थीटा, डी थीटा एंगल घुमाने में वर्क, तो वही टॉर्क डी थीटा। और फिर हमने टॉर्क की वैल्यू रखी थी पीई साइन थीटा डी थीटा, और टोटल वर्क कैसा आया था? टॉर्क की वैल्यू रखी, इंटीग्रेट कर दिया था। और क्योंकि तुमने अभी कहा कि 90 डिग्री से घुमाते हैं, तो लिमिट यहां पर, यहां देखो डी थीटा, डी थीटा का मतलब क्या हुआ कि आप इंटीग्रेट थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो 90 से थीटा लगेगी लिमिट। पीई साइन थीटा, ठीक है, याद आ गया आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे फोर्स लगा था, इस पे क्यू ई, इस पे माइनस क्यू ई, दोनों ने मिलके टॉर्क बनाया था। कितना टॉर्क था? पी साइन थीटा। इस टॉर्क ने क्या किया? डाइपोल को घुमाया था। तो डी थीटा एंगल घुमाने में कितना वर्क करना पड़ा, पहले हम ये निकालें। डी थीटा एंगल घुमाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा? डी थीटा एंगल घुमाने में टॉर्क इंटू डी थीटा, जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर मोशन में, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब रोटेशनल में फोर्स की जगह आ गया था टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क की वैल्यू रख दी पी साइन थीटा, इंटीग्रेट कर लिया। अब आपने ये समझा हुआ है, रिमाइंड हो गया, तो आपको ये भी हो जाए, इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल वही कंसीडर ए मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल एक ही बात है, जहां दो पोल है नॉर्थ साउथ, वहां पर डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट एम इज इक्वल टू क्या था भाई? स्मॉल एम इंटू टू ए इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, कितना था भाई टॉर्क? एम बी साइन थीटा। आ गया भाई, वहां पे हमने लिखा था पी साइन थीटा, यहाँ पे एम बी साइन थीटा। अब क्या निकालेंगे? स्मॉल वर्क, वर्क डन रोटेट डाइपोल थ्रो स्मॉल एंगल डी थीटा। डी थीटा एंगल घुमाने में मैग्नेटिक डाइपोल होगा। कितना डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। अब टॉर्क की जगह ये आ जाएगा, क्या नाम, सॉरी, टॉर्क की जगह ये आ गया एम बी साइन थीटा, एम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा डी थीटा। बताइए भाई, आ गया समझ में आप तक? स्मॉल वर्क डी थीटा एंगल
हाँ मैग्नेटिक, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया साइन थीटा। आप बोल के बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। डी थीटा नहीं है, यही तो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा और डी थीटा। याद, ये तो डी थीटा स्मॉल एंगल घुमाने में वर्क है। अब आपको कितने से घुमाना है, 90 डिग्री से। 90 डिग्री से घुमाने में जो वर्क करना पड़ेगा, तो फॉर वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेटिक डाइपोल, फ्रॉम कहां से भाई, 90 डिग्री टू थीटा, इंटीग्रेट। क्या करेंगे हम, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, टू इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको एम बी साइन थीटा डी थीटा, इसको हम, ये तो स्मॉल वर्क है ना, केवल ये केवल स्मॉल वर्क है। डी थीटा एंगल घुमाने में, डी थीटा एंगल घुमाने में जो स्मॉल वर्क है, डेट इज एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है भाई, तो हमने क्या कहा कि मैग्नेटिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट स्मॉल एम इंटू टू ए होता है, वो कहाँ रखा है हमने, मैग्नेटिक फील्ड में। तो उस पर टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगा, एम बी साइन थीटा। और इस टॉर्क से क्या हुआ, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल घूमा। अब डी थीटा एंगल घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह तो यहां पर टॉर्क है, फोर्स तो लीनियर लीनियर मोशन में आता है, यहां पर बात चल रही है रोटेशनल मोशन की, घूम रही है ना बॉडी। तो टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क की जगह एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब आपको 90 से थीटा एंगल घुमाना है तो इंटीग्रेट कर दो भाई इसको, और कहां से कहां तक करोगे, ये देख रहे हैं आप, डी थीटा का मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री से थीटा एंगल तक। तो ये डी डब्ल्यू का तो हो गया, डब्ल्यू एम और बी बाहर आ गया 90 डिग्री से थीटा एंगल तक, और ये हो गया साइन थीटा डी थीटा। ठीक है भाई, अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 90 डिग्री से थीटा। और इस वर्क को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क जो 90 से थीटा एंगल घुमाने में, 90 से थीटा एंगल घुमाने में जो वर्क करेंगे, उसी को तो पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसका सिंबल सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन यू है। अब देखो माइनस बाहर रख लो, एम, ये एम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, और ये हो गया कॉस थीटा, और ये लगा दो आप लिमिट 90 डिग्री से थीटा, माइनस एम बी, पहले तो अपर लिमिट हो जाएगी कॉस थीटा, फिर लोअर लिमिट कॉस 90 डिग्री, लिमिट लगानी आपको आती है। फिर समझ लीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, और क्योंकि यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है डी थीटा, यानी कि हम जो लिमिट लगाएंगे वो एंगल की लगाएंगे,
कितने से कितने डिग्री घुमा रहे हो, कितने से कितने डिग्री घुमा रहे हो? 90 से थीटा एंगल घुमा रहे हो, तो लिमिट लग गई 90 से थीटा। एम कांस्टेंट है मैग्नेटिक डाइपोल मूमेंट, बी कांस्टेंट है साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है और इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो कॉस थीटा है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। और इस वर्क को जो हम 90 से थीटा एंगल घुमाने में कर रहे हैं, दिस वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी माइनस एमवी कॉस थीटा। लिमिट लगानी आपको आती है, पहले अपर लिमिट थीटा की जगह थीटा माइनस लोअर लिमिट 90। भैया ये हो गया 0, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस एमवी कॉस, ठीक है ना, माइनस एमवी कॉस थीटा। और इसको आप ये भी लिख सकते हो एम वेक्टर डॉट, क्योंकि कॉस थीटा तो उसी में आता है भाई, डॉट प्रोडक्ट में। दिस इज द डेरिवेशन और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ये ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कौन सा डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। अब इसमें कंसेप्चुअल बनता है, क्या बनता है कंसेप्चुअल देखिए। कब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी? क्या बना? व्हेन डज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज मैक्सिमम एंड वेयर इट इज मिनिमम। कहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और कहां पर मिनिमम होगी? पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला देखें, माइनस पी ई की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, और पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट उसकी जगह आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, और ये आ गया था उसके बाद कॉस थीटा, यही तो आया था अभी। अब अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यू आप देखो माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 क्या होता है भाई? मैक्सिमम। मन होता है कॉस 0, मैक्सिमम वैल्यू होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको पता होगा डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड, कल बताया था थीटा 0, यानी कि थीटा 0 का मतलब अगर जैसे हम आपसे कहें डाइपोल, ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब नॉर्थ पोल किधर दिखाऊं? थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एम वेक्टर इज पैरेलल टू, एम वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, थीटा 0 हुआ। तो यहां पर थीटा
थीटा जीरो कब होगा? देखो आप हमें मान लेते हैं हमने ये तो साउथ पोल हो गया मैग्नेट का और ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, अब थीटा जीरो का मतलब क्या हुआ? एम वेक्टर इज पैरेलल टू बी। अब एम वेक्टर किधर से किधर होता है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नहीं पता, गूगल बताया तो साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे तो साउथ नेगेटिव है ना और नॉर्थ क्या है? प्लस के पॉजिटिव है। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर यानी उधर ही रहेगी। एम इज पैरेलल टू बी वेक्टर, इसका मतलब ऐसे बाय डायग्राम बनेगा। तो अब जरा देखना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एम वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, पोटेंशियल एनर्जी भाई एम बी कॉस क्या लिखे? थीटा कितने का बन रहा है? जीरो डिग्री का बन रहा है ना, तो कितनी आ गई पोटेंशियल एनर्जी? एम बी नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। अच्छा हाँ, माइनस है क्या? माइनस माइनस एम। अब ये बताओ माइनस एम बी जो है ये क्या है? मैक्सिमम है या मिनिमम होगी? मिनिमम, ये मिनिमम है, इट इज मिनिमम। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब है? फिर समझ लीजिएगा, जब थीटा क्या है? जीरो डिग्री। थीटा जीरो डिग्री का मतलब क्या हुआ? कि एम वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। अब कॉस थीटा जीरो है, माइनस एम बी कॉस थीटा, कॉस थीटा जीरो, कॉस जीरो वन, इस इज मैक्सिमम। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और इस, जब थीटा जीरो होता है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? कल बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा जीरो होता है और इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम व्हेन डाइपोल कैसे रखा हो इज प्लेस्ड इन पैरेलल इन पैरेलल। सर आप ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव साइन आया ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है? नहीं नहीं, देखो ये यू जो है डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी आती है या स्केलर? स्केलर। स्केलर इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड आ रहा है नेगेटिव में। अच्छा और सर पोटेंशियल तो वैसे भी स्केलर क्वांटिटी तो हाँ, डायरेक्शन तो होगी नहीं। पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी प्लेस्ड इन पैरेलल टू डाइपोल इन पैरेलल टू, या शॉर्ट में लिख दो मिनिमम व्हेन
m वेक्टर इज पैरेलल बी वेक्टर। और ऐसे स्टेज को हमने क्या नाम दिया था कल, दैट इज नेम्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। एक नंबर का क्वेश्चन बन गया कि बताओ कब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जब हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तब। थीटा की वैल्यू जीरो होती है, देख लो एक मिनट। तो हमने क्या बताया कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन बता दिया, माइनस एम बी कॉस थीटा एम डॉट बी। और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उस टाइम, कल पढ़ा था आपने कि थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, थीटा जीरो डिग्री होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड वेयर इट इज मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा जीरो है यानी कि एम वेक्टर पैरेलल है बी के, तो थीटा जीरो रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, मिनिमम आई माइनस के। कौन सा इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मैक्सिमम कब होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ रहा है मतलब ये कैसे हो रहा है सर, स्टेबल मतलब जीरो डिग्री पे। कल भी बताया था आपने डायग्राम बना के, यस सर वो मतलब कोई एंगल नहीं बन रहा था बी के साथ, वो तो कैसे हो रहा था सर, इसमें क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेबल का डायग्राम क्या है देखो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम डाइपोल रखना है, हमें पता है डाइपोल मूवमेंट होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। yes, अब तुम साउथ पोल को तो इधर बनाओ, साउथ ये है, नॉर्थ ये है मैग्नेट का, ये मैग्नेट रखिए। अब इससे क्या होगा, मैग्नेटिक एम वेक्टर किधर आएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो आगे एम वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री और स्टेबल
स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम। मिनिमम। अब आप आएंगे अनस्टेबल में, फॉर तो सर ये स्टेबल में इसलिए हो रहा है ना क्योंकि यहाँ फोर्स जीरो जा रहा है तो वापस वहीं पे आ जा रहा है पहली वाली पोजीशन। हमें कहते हैं ऐसा होता है स्टेबल अनस्टेबल का पता कैसे लगता है। स्टेबल का मतलब हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करके छोड़ें तो वापस अपनी जगह पे लौट जाएगा। यस सर। अगर किसी चीज को जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने एक हेड रखा हुआ है, अब मैं इस हेड को अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ूं फिर दोबारा ऐसी आ जाएगा? अगर ऐसे करके छोड़ू फिर से ऐसी आ जाएगा अपनी पोजिशन पे, तो ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल का मतलब होता है जरा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो वो गिर जाए। जैसे अगर मैं इसी हेड को उल्टा रखूं, अब मैं अगर इसको जरा सा भी हिलाऊंगा तो एकदम गिर जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपनी पोजिशन पर आ जाएगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये है। तो फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा कितने का बताया था कल, 180 डिग्री, यानी कि एम वेक्टर इज अपोजिट टू बी वेक्टर एंड टॉर्क एंड